भागलपुर में निजी डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की हुई मौत। भागलपुर में एक बार फिर निजी डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। ताजा घटना कंपनी बाग क्षेत्र में हुई, जहां रंजीत मंडल ने अपने बेटे को बुखार के चलते झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए। झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे की स्थिति को गंभीर बताकर उसे डॉक्टर कामरान के पास रेफर किया, जहां बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। रंजीत मंडल ने बताया कि उनके बेटे को पिछले 2 दिन से बुखार था। उन्होंने पहले पास के ग्रामीण डॉक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने बच्चों को 2 सुई लगाई और फिर उसे आगे रेफर कर दिया। डॉक्टर कामरान ने भी बच्चे को सलाइन चढ़ाई और इलाज के लिए पैसे लिए, लेकिन अंततः बच्चे को मायागंज रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि भागलपुर में निजी क्लिनिकों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी कब तक जारी रहेगी? स्थानीय नागरिक कब न्याय की आस लगाए बैठे हैं, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। पानी चढ़ा लिया वहाँ से की जगह के लिए के लिए चले जाइए बचावला डॉक्टर कन कमरान कन के लिए 1.5 घंटा की जमा नहीं देखल के दो रात देखते रहे, लेकिन हमारा बच्चा नहीं देखे कमरान के यहाँ। कमरान के यहाँ अच्छा, तो वो का ठीक की होले वहाँ से सीधा डायरेक्ट माया आगे रेफर कर लेते के लिए दवाइयों दे दो, पेटों में दर्द छे बच्चों को बोली रहे पेटों में दर्द छे दवाई सिया कम से कम दे दो तब की चीज माया गए अपना नहीं रखबो नहीं है, लेकिन वो नहीं खींचे कल के सीधा निकलिए जाइए मायागंज जल्दी जाइए यहाँ लिए खत्म खत्म अपनों गाड़ी से कमरान वही बागल वही पर ना। हाँ वहाँ जो सहारगन चौक पर कीजिए मस्जिद के सामने बगल में कीजिए डॉक्टर की नाम लग तोरो रंजीत मंडल कहाँ से ले चलो कंपनी बाग से बच्चा का नाम कीजिए राशि में कुमारी भागलेपुर से ले कंपनी बाग यूनिवर्सिटी।